दोस्तों, कर्म क्या है आप इसके बारे में जानते हो? क्योंकि आपने यह तो सुना ही होगा कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है, और अगर अच्छे कर्म करोगे तो उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा, और वही बुरे कर्म करोगे तो उसका फल और परिणाम आपको बुरा ही मिलेगा। अच्छे कर्म आपको खुशियां देंगे, वही बुरे कर्म आपको दुखी देंगे, आपकी जिंदगी को नर्क बना देंगे। यहां तक तो सब सही है, लेकिन आपने कर्मों के बारे में यह भी सुना है कि अच्छा इंसान हमेशा दुखी रहता है, और वहीं दूसरी ओर बुरा इंसान हमेशा सुखी रहता है। अगर ऐसा है तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल कैसे हुआ, बल्कि बुरे कर्मों का अच्छा फल हुआ? आखिर यह कर्मों का सारा खेल क्या है, यह कैसे हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं? अगर हम यह समझ जाएं कि कर्मों का चक्र आखिर चलता कैसे है, तो हमें जिंदगी में सुख मिल सकता है, क्योंकि हम सिर्फ वही काम करेंगे जिससे हमें अच्छा फल प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बौद्ध कहानी के माध्यम से कि आखिर कर्मों का खेल है क्या और कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज की बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि यह कहानी काफी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल नरवाल मोटिवेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए आज की प्रेरणादायक बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले मगध राज्य के सुदूर गांव में सूरज नाम का एक गरीब किसान रहता था। सूरज का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन उसकी सारी मेहनत के बावजूद उसे इतनी उपज नहीं मिलती थी कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। खेत की मिट्टी बंजर होती जा रही थी और सूरज का जीवन कठिनाइयों और निराशाओं में डूबता जा रहा था। सूरज को लगता था कि यह सब उसकी किस्मत का दोष है। वह अक्सर अपनी किस्मत को कोसता और सोचता कि उसकी यह स्थिति उसके बुरे कर्मों का फल है जो उसने पिछले जन्म में किए होंगे। उसका जीवन अंधकारमय होता जा रहा था और वह खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। फिर एक दिन सूरज के गांव के पास एक बौद्ध भिक्षु आए और उन्होंने सूरज और गांव वालों को बताया कि भगवान गौतम बुद्ध पास ही के गांव निकटवर्ती नगर में प्रवास कर रहे हैं और लोग उनके दर्शन करने जा रहे हैं। गांव के सभी लोग बुद्ध के उपदेश सुनने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी लोग उत्साहित थे। सूरज के दोस्तों ने उसे भी बुद्ध के पास चलने के लिए कहा, ताकि वह अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। फिर पहले तो सूरज को विश्वास नहीं हुआ कि कोई उसे उसकी परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है, लेकिन उसके मन में कहीं एक उम्मीद जगी कि शायद बुद्ध उसे उसकी बुरी किस्मत से बचा सके। इसलिए वह भी अपने दोस्तों के साथ बुद्ध के दर्शन के लिए चल पड़ा। और फिर जब सूरज बुद्ध के पास पहुंचा, तो उसने अपनी सारी समस्याएं बुद्ध के सामने रख दी। उसने कहा, भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं और मैं अपने परिवार का ठीक से पालन भी नहीं कर पा रहा हूं। क्या यह सब मेरे बुरे कर्मों का परिणाम है? क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैं कुछ भी करूं, लेकिन मेरा जीवन कभी नहीं सुधरेगा? बुद्ध ने शांतिपूर्वक सूरज की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय सूरज, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों का कारण केवल तुम्हारे पिछले कर्म नहीं है, वर्तमान में तुम जो कर रहे हो वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करते हैं। बुद्ध की इस बात पर सूरज ने हताशा में पूछा, तो भगवान, मैं क्या करूं? मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। क्या इसका मतलब है कि मेरी किस्मत ही खराब है? यह सुनकर सूरज ने कहा कि सूरज, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने वर्तमान कर्मों को बदल दोगे तो तुम्हारा भविष्य भी बदल जाएगा। सिर्फ मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने कर्मों को सही दिशा में करो। जब तुम अपने कर्मों में बुद्धि, धैर्य और करुणा को शामिल करोगे, तभी तुम्हें सच्चे फल मिलेंगे। बुद्ध की यह बात सुनकर सूरज ने कहा कि भगवान, आप मुझे क्या समझना चाह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों, मैं तो एक साधारण सा किसान हूं और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, इसलिए मुझे कोई ऐसी बात के माध्यम से समझाइए जिसे मैं आसानी से समझ सकूं। सूरज की इस बात पर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो सूरज, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद तुम्हारे सभी प्रश्न हल भी हो जाएंगे और तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि कर्म ही हमारे जीवन की दिशा को तय करते हैं।
फिर पत्नी कहानी सुनना शुरू की। सूरज तुम्हारी ही तरह किसी समय एक और किसान हुआ करता था जिसका नाम देव था। देव भी तरह ही कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसकी फसलें खराब हो जाती थी और वह अपने परिवार को ठीक से खाना भी नहीं खिला पाता था। लेकिन एक दिन एक साधु देव के पास आए और उसे यह सिखाया कि मेहनत और बुद्धि का सही संयोजन ही सफलता की कुंजी है। साधु ने उसे बताया कि केवल कठिन परिश्रम ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि हम सही दिशा में काम करें। देव ने साधु की बातें समझी और अपनी खेती के तरीके बदल दिए। उसने मिट्टी की देखभाल की, बीजों को सही समय पर बोया और अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वह समृद्ध हो गया। यह कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने सूरज से कहा कि सूरज देव की तरह यदि तुम भी अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाओगे और धैर्य रखोगे तो तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन आएगा। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे ही हाथों में है। फिर सूरज ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि सिर्फ किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होगा, उसे अपने कर्मों को बदलने की जरूरत थी। यही सोचकर वह बुद्ध प्रणाम करके और बुद्ध से विदा लेकर वापस गांव की ओर जाने के लिए चला गया। और फिर गांव पहचाने के बाद सूरज ने अगले दिन से ही अपने खेतों की मिट्टी की देखभाल करना शुरू किया और नई तकनीकों को अपनाया और अपने कार्यों में धैर्य और करुणा का समावेश किया, जिसके कुछ समय बाद उसकी मेहनत का फल उसे मिलने लगा। उसकी फसलें अब अच्छी हो रही थीं और उसका जीवन धीरे धीरे समृद्धि की ओर बढ़ रहा था, जिसके कुछ महीनों बाद सूरज के जीवन में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। उसके खेत अब उपजाऊ हो गए थे और उसकी मेहनत का फल उसे मिलने लगा था। वह अब पहले से कहीं अधिक प्रसन्न था और उसके परिवार के चेहरे पर भी खुशियां लौट आई थीं। लेकिन सूरज के मन में अब भी एक सवाल अक्सर उठता था, क्या केवल वर्तमान के कर्म ही पर्याप्त हैं? क्या कुछ और गहरा अर्थ नहीं है जो बुद्ध ने उसे सिखाया? वह सोचता था कि उसकी समझ अभी भी अधूरी है। उसने निश्चय किया कि वह एक बार फिर भगवान गौतम बुद्ध के पास जाएगा और उनसे और भी गहन ज्ञान प्राप्त कर। यही सोचकर सूरज ने बुद्ध से मिलने की ठानी और उनके पास जाकर कहा, भगवान आपकी दी गई शिक्षाओं ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। मेरे कर्मों का सही दिशा में उपयोग करने से मेरा जीवन सुखी हो गया है, लेकिन मेरे मन में अब भी कई सवाल हैं। क्या केवल कर्म ही सब कुछ है और क्या मेरे कर्म हमेशा अच्छे ही रहेंगे? क्या मैं अपने भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता हूँ? यह सुनकर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सूरज की ओर देखा और उसे पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने कहा, सूरज यह अच्छा है कि तुमने कर्म के महत्व को समझा और अपने जीवन में इसे लागू किया, लेकिन कर्म का अर्थ केवल बाहरी प्रयासों तक सीमित नहीं है। कर्म एक गहरी अवधारणा है जिसे पूरी तरह समझने के लिए मन की गहराई में उतरना आवश्यक है। आज मैं तुम्हें कर्मों के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हारे सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा, सूरज कर्म तीन स्तरों पर काम करता है, शरीर, वाणी और मन। जो कुछ तुम अपने शरीर से करते हो वह शारीरिक कर्म है, जो तुम बोलते हो वह वाचिक कर्म है, और जो तुम सोचते हो वह मानसिक कर्म है, शारीरिक कर्म। तुम जो भी शारीरिक गतिविधियां करते हो, जैसे मेहनत करना, दूसरों की सहायता करना, ये सभी शारीरिक कर्म है। यह वह कर्म है जिसे तुमने पहले समझा और अपने जीवन में अपनाया। यह कर्म महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका परिणाम तुम्हारे भौतिक जीवन पर सीधे तौर पर पड़ता है। और बुद्ध ने आगे समझाया कि सूरज वाणी का उपयोग भी कर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तुम किसी से अच्छा बोलते हो, करुणा और स्नेह से बोलते हो, तो तुम सकारात्मक वाचिक कर्म करते हो। लेकिन यदि तुम्हारी वाणी कटु हो, यदि तुम दूसरों को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ कहो, तो यह नकारात्मक वाचिक कर्म बनता है जो तुम्हारे और दूसरों के जीवन पर बुरा असर डालता है। और सूरज सबसे महत्वपूर्ण है मानसिक कर्म। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्मों की नींव है। तुम्हारे विचार जैसे होंगे वैसे ही तुम्हारे कर्म होंगे। यदि तुम्हारे मन में शांति, करुणा और सद्भाव है तो तुम्हारे सारे कर्म सकारात्मक होंगे। लेकिन यदि तुम्हारे मन में द्वेष, लालच या अहंकार है तो तुम्हारे कर्म भी नकारात्मक होंगे, भले ही वे बाहरी रूप से अच्छे दिखें। क्योंकि यदि मन शुद्ध होगा तो शारीरिक और वाचिक कर्म भी शुद्ध होंगे और जीवन में संतुलन बना रहेगा। बुद्ध ने आगे कहा, सूरज कर्म के परिणाम अनिवार्य होते हैं, चाहे वह शारीरिक हो
वाचिक हो या मानसिक, प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। ये फल कब और कैसे मिलेगा, ये तुम्हारे कर्म की प्रकृति पर निर्भर करता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, जबकि कुछ का फल समय के साथ आता है। लेकिन एक बात निश्चित है, कर्म का फल अवश्य मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे और शुद्ध कर्म करने का प्रयास करो, ताकि तुम्हारे जीवन में शांति और सुख बना रहे। बुद्ध की इस बात पर सूरज ने पूछा, तो भगवान, क्या हमारे सारे कर्मों का परिणाम हमें इसी जीवन में मिलता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सभी कर्मों का परिणाम इस जीवन में मिलना जरूरी नहीं है। कुछ कर्मों का परिणाम अगले जीवन में मिलता है। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि कर्म का फल हमारे समय की सीमाओं से परे है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसलिए हमें हर पल सावधानी पूर्वक कर्म करना चाहिए। फिर सूरज ने एक और सवाल पूछा, भगवान, यदि कर्म का चक्र निरंतर चलता रहता है, तो क्या इसका मतलब है कि हम इस चक्र से कभी बाहर नहीं निकल सकते? इस पर बुद्ध ने गहराई से समझाते हुए कहा कि सूरज कर्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक मनुष्य अज्ञान और लालच में फंसा रहता है। लेकिन जब तुम सत्य को समझ लेते हो, जब तुम अपने मन को पूर्ण शांति में ले आते हो और जब तुम अपने कर्मों में निष्काम भाव से कार्य करते हो, तब तुम इस चक्र से मुक्त हो सकते हो। इसलिए तुम्हें अपने मानसिक कर्मों पर अधिक ध्यान देना होगा। तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना होगा और उसे अहंकार, द्वेष और लोभ से मुक्त करना होगा। जब तुम हर कर्म को बिना किसी स्वार्थ या लालच के करोगे, तभी तुम सच्ची मुक्ति की ओर अग्रसर हो पाओगे। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। जब तुम धैर्यपूर्वक अपने कर्मों में लगे रहोगे, तभी तुम्हें सच्ची सफलता और शांति प्राप्त होगी। कि किसान भी सूरज के इस परिवर्तन को देखकर प्रभावित हुए। वे यह देख रहे थे कि कैसे सूरज के जीवन में बदलाव आया है और उससे प्रेरित होकर वे भी उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे। सूरज ने उन्हें बुद्ध के उपदेशों और कर्म के महत्व के बारे में बताया। उसने सिखाया कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण और मानसिक शांति भी जरूरी है। सूरज ने गांव में एक छोटी सी सभा शुरू की, जहां वह किसानों को ध्यान करने, शांतिपूर्वक अपने जीवन को देखने और अपने कर्मों को सही दिशा में करने की विधि सिखाने लगा। गांव में धीरे धीरे सकारात्मकता फैलने लगी और लोग आपस में सहयोग और समझदारी से पेश आने लगे। सूरज के जीवन में यह परिवर्तन केवल भौतिक और सामाजिक उन्नति तक सीमित नहीं था। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार उसने आत्मज्ञान की दिशा में भी कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। अब वह जीवन के गहरे अर्थ और कर्म के चक्र को बेहतर ढंग से समझने लगा था, अशांति को पहचानना और उसे शांत करना सीख लिया था। धीरे धीरे वह अपने जीवन में मोह, लोभ और अहंकार से मुक्त होने लगा। उसके लिए जीवन अब एक साधारण खेती करने वाला कार्य नहीं था, बल्कि आत्म विकास और मुक्ति की ओर एक यात्रा बन गया था। अब सूरज का जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं था, बल्कि वह गांव और समाज के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन गया था। उसने समझ लिया था कि कर्मों के साथ साथ मानसिक शुद्धता और आंतरिक शांति भी जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की है प्रेरणादायक कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। और दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनकी भी कुछ मदद हो पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।